खबर मध्य प्रदेश के तेंदुकेड़ा से है, जहां पर 3 दिन पहले राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीब लोगों को 2,000 रुपए ट्रॉली में रेत पहुंचा कर देंगे, इससे अधिक मूल्य पर बेचने वालों की शिकायत मिलने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। उधर नरसिंहपुर जिले में धनलक्ष्मी कंपनी का रेत का ठेका है, जो कि 2,500 रुपयों पर ट्रॉली की रेत की रॉयल्टी ले रही है। वहीं गरीब मजदूर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास में लगने वाली रेत 4 से 5 हजार रुपयों में मिल रही है। जो आपने रेता लिया है कितने रुपए में मिली आपको रेता? ये मिली है मेरे को 4,500 में। अगर रेता इतनी महंगी मिलेगी जी तो मकान कैसे बना पाएंगे? जी जी 1,20,000 में जी सरकार दे रही है और रेत इतनी महंगी है जी। प्रधानमंत्री आवास और सरकारी कामों के लिए अनुमति लेकर के वो देंगे, उसका दाम अलग है, लेकिन आम उपभोक्ता के लिए 9,000, दीगर कामों के लिए इनके लिए 2,000 में ट्राली मिलेगी। और कलेक्टर से भी बात हुई है, उनका कहना है कि कोई भी 2,000 से ऊपर मांगे तो या तो आप अपनी उसकी क्लिपिंग बना लो या लिखित शिकायत दो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिनके मकान बन रहे हैं उनको फ्री रेत मिलना चाहिए, हमारी मांग है प्रशासन से। और जो 2,000 के रेट का निर्धारण किया गया है, जो आपके द्वारा बताया गया है, ये अनुचित है। शासकीय ठेकेदारों के लिए जो शासकीय भवन बनते हैं उनको 2,000 रुपये की रेत मिले, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। पर जिन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बन रहे हैं उनकी तो फ्री मिलना चाहिए उनके लिए रेट। तो भाजपा का काम ही झूठ बोलना है और भाजपा झूठ बोल के ही आज सरकार में बैठी है। जितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है कोई पूरी हो रही है क्या? आज किसान को खाद नहीं मिल रहा, आज किसान को बीज नहीं मिल रहा, 2019 का फसल बीमा जिले के 1,000 से ऊपर किसानों को नहीं मिला, उपभोक्ता फोरम में केस लगे हैं, सीएम शिकायत में लगे हैं, 2,000